एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4 10 में से रेटिंग दी है और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एलेक्स कैंड्रिक, लिखे हैं एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक। इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्री कोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा, क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ
टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टीसी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रिकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में।
तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा और इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहां चाहें वहां शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एलेक्स कैंड्रिक, लिखे हैं एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स,
कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट, और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश, और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग, और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था, तो फ्रेंड्स कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं, और टी सी स्टेलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं, और कैरन एब्रीकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में, और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में, और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में, और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में, और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में, और टैनी डोनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में, और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, और इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं
तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एलेक्स कैंड्रिक, लिखे हैं एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्री कोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है मुखौटे के पीछे। हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद
टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिक व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे हैं एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिल तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रीकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है मुखौटे के पीछे। हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं,
टोनी कठोर मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जिद तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी म्यूजिक दी है पॉल मिलर्स और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिल तारीफ है।
तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आए और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आए और कैरन एब्रिकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जिद तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2015 की
ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4 10 में से रेटिंग दी है और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिले तारीफ़ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आए और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नजर आए और कैरन एब्रिकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिस मैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा और इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जाए, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक
केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए YouTube पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो Instagram, Facebook, WhatsApp, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्री कोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डोनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा और इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी
एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एलेक्स कैंड्रिक, लिखे हैं एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्री कोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डोनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स,
फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये
यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 मिलियन डॉलर रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ 3 मिलियन डॉलर था, तो फ्रेंड्स कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिल तारीफ है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नज़र आएँ, और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नज़र आएँ, और कैरन एब्रिकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में, और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में, और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में, और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में, और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में, और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में, और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4 10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिल तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रीकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है।
टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिल तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रीक्रोम्बी एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है मुखौटे के पीछे। हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जिद तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं
जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जाए, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दिया और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसीला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टीसी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रीक्रोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि
अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जाए, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टीसी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलर्स
और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की सोनी पिक्चर रिलीजिंग। और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं, और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं, और कैरन एब्रिकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में, और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में, और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में, और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में, और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में, और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में, और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा, क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एलेक्स कैंड्रिक, लिखे हैं एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्री क्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टॉनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्री कोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके
रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भाग भगवान को समर्पित कर दिया। अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दिए पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रीकोम्बिया एज मिस क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एज कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एज मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एज डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एज मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एज वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एज पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, इनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है। मुखौटे के पीछे हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता।
एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जाए, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है। एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं, जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिग वह और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स, आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा, मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर रूम मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 की ड्रामा मूवी है जो कि 2 आवर्स की है और इसे IMDb ने 6.4/10 में से रेटिंग दी और इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, वॉर ये 2015 की अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एलेक्स कैंड्रिक, लिखे एलेक्स कैंड्रिक, स्टीफन कैंड्रिक, इस मूवी को प्रोड्यूस किए स्टीफन कैंड्रिक, ग्रे व्हीलर और इस मूवी के स्टारिंग है प्रिशीला शेरर, टी सी स्टैलिंग्स, कैरन एब्रीक्रोम्बी, एलेक्स कैंड्रिक, बेथ मोरी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है बॉम एम स्कॉट और इस मूवी को एडिट की है एलेक्स कैंड्रिक, स्टीव हल्फिश और इस मूवी में म्यूजिक दी है पॉल मिलस और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है ट्री स्टार पिक्चर्स, प्रोविडेंट फिल्म, एफर्म फिल्म, कैंड्रिक ब्रदर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर रिलीजिंग और ये मूवी 28 अगस्त 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 120 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $75 मिलियन रहा, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन था। तो फ्रेंड्स, कई गुना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है बजट के अकॉर्डिंग, जो कि काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में प्रिसिला शेरर एज एलिजाबेथ जॉर्डन के रोल में नजर आएं और टी सी स्टैलिंग एज टोनी जॉर्डन के रोल में नजर आएं और कैरन एब्रीकोम्बिया एज मिस
क्लेरा विलियम्स के रोल में और एलेक्स कैंड्रिक एस कोलिमन यंग के रोल में और मिकेला जेयर एस मिकेला के रोल में और एलन पीटर्स एस डैनियल जॉर्डन के रोल में और बेथ मोरी एस मैंडी के रोल में और टैनी डॉनिंग एस वेरोनिका ड्रेक के रोल में और बेन डेविस एस पुलिसमैन के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी का कास्ट काफ़ी बेटर रहा, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही, इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही कहा जाए तो, क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग है तो ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, अगर अच्छी नहीं होती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, टोटल स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर देखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेल्समैन टोनी जॉर्डन और उनकी पत्नी रियल्टर एलिजाबेथ जॉर्डन बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं। उनके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और एक सुंदर बेटी जिसका नाम डेनियल है मुखौटे के पीछे। हालांकि टोनी और एलिजाबेथ के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। टोनी कठोर, मौखिक रूप से अपमानजनक और एलिजाबेथ को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी नौकरी के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेटी के लिए लगभग कभी नहीं होता। एलिजाबेथ अपने घर बेचने के लिए एक बुजुर्ग महिला मिस क्लारा के साथ काम करने जाती हैं। मिस क्लारा ने महसूस किया कि एलिजाबेथ जीत तनाव में है और सुझाव देती हैं कि एलिजाबेथ टोनी के लिए प्रार्थना करके अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। मिस क्लारा एलिजाबेथ को एक विशेष कठोर देखती हैं जिसे उसे प्रार्थना के लिए समर्पित किया जा, जिसे वे उसे वार रूम कहती हैं। जैसा कि वो कहती हैं, खड़ा होने और दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घुटने पर बैठने और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे ही एलिजाबेथ अपनी पति के लिए गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करती हैं, टोनी एक व्यापार यात्रा के लिए निकल जाता है एक खूबसूरत महिला के साथ रात का खाना खाने के लिए, जो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित करती हैं। जैसा कि वह उसके साथ जाने वाला होता है, उसे मिचली आ जाती है और वह बाथरूम में फेंकने के लिए होता है। कुछ ही समय बाद टोनी को नशीले दवाओं के नमूने चूरन के लिए निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ और डेनियल से अनिभिज्ञ व और भी अधिक पैसा बनाने के लिए उन चोरों के नमूनों को अवैध रूप से बेच रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसके रॉक बॉटम मारा है और टोनी ने अपने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अब उसे पता चलता है कि उसे चुराए गए नमूने और गलत तरीके से अर्जित धन दोनों को वापस करना होगा। भले ही उसे जो कहा है उसे प्रकट करने से संभावित रूप से उसे जेल भेजा जा सकता है। टोनी अपने पूर्व बॉस से मिलता है और कबूल करता है। उसका पूर्व बॉस उसकी गलती को स्वीकार करने और संशोधन करने की इच्छा उसकी इच्छा से प्रेरित होता है और आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है। टोनी अपनी बेटी के कूदने के कौशल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आगामी डबल डच प्रतियोगिता में उसके और उसके दोस्त के साथ भाग लेने की पेशकश करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतियोगिता में टोनी और उनकी बेटी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स आगे एक स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि वॉर रूम को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट आपको इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे पेमेंट करना होगा मात्र 80 रुपये। तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को 80 रुपये देकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें।